के साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद अररिया नगर थाने में पद संभालते ही एक्शन में दिखे थाना प्रभारी। पदभार संभालते ही नशा कारोबारियों पर अंकुश लगाना पहली प्राथमिकता बताया है। इसी क्रम में सदर मुख्यालय के विभिन्न थाना क्षेत्रों में समकालीन अभियान के तहत नगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पूर्व में नशे में कारोबार में लिप्त 4 महिला समेत 7 नशे के कारोबारी को प्रतिबंधित कोडिन सिरप और देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए SDPO पुष्कर कुमार ने बताया कि नए नगर थाना प्रभारी पदभार ग्रहण करने के बाद थाना क्षेत्र में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाते हुए 4 महिला सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। नगर थाना पुलिस के द्वारा शराब कारोबार में अररिया के जयप्रकाश नगर से एक महिला को गिरफ्तार किया गया, जिसके गोद में 2 साल की छोटी बच्ची है। बच्ची का नाम नैना कुमारी है। छोटी बच्ची को माँ अपने साथ लेकर जेल जा रही है। पूछने पर महिला ने बताया कि बच्ची का परवरिश करने वाला कोई नहीं है, जिस वजह से वो बच्ची को अपने साथ लेकर जेल जा रही है। 2 साल की छोटी उम्र में जब बच्ची को खेलने के लिए खिलौना और रहने के लिए स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए, ऐसे में बच्ची अपनी माँ के साथ जेल जा रही है। समकालीन अभियान था, इसमें पूरे अनुमंडल में रेड छापामारी हुआ था। अररिया थाना में नगर थाना अध्यक्ष के रूप में ज्वाइन किया आदित्य, और इन्होंने भी छापामारी करके जो पुराने केस थे शराब के, जिसमें महिलाएं थी और वो पुलिस के साथ उलझती थी रेड करने में छापामारी में, वो 4 विभिन्न केसों में 4 महिला को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही कोरेक्स बरामद हुआ है, कोरेक्स के साथ भी एक गिरफ्तार है, और देसी शराब भी बरामद हुई है, देसी शराब के साथ भी 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। तो इस तरह से पुलिस का जो कार्रवाई है शराब के प्रति जो आते हुए थानेदार ने कड़ी कार्रवाई की है, और शराब एक संदेश भी दिया है इन्होंने कि शराब पर किसी भी प्रकार का कोई नई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम हो रहा है और उसको लागू रहेगा। सर कुल 4 महिला की गिरफ्तारी हुई है, 2 देसी शराब में हुई और 1 कोरेक्स में हुई है, 7 गिरफ्तारी हुई। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए कोशी आलोक न्यूज।